बचपन से ही दिव्यांग है। सरकार के माध्यम से कोई मिलता है? कुछ नहीं मिला, मिलता है नहीं। नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी समस्तीपुर में है और मैं बता दूं कि आज मैं एक ऐसी एक अनोखी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जो अपने आप में अजूबा है। और अभी मैं समस्तीपुर के कल्याणपुर में, कल्याणपुर एक गांव पड़ता है, उस गांव में हूं। और बताया जाता है कि यहाँ कल्याणपुर का एक खजरी गांव पड़ता है जो कल्याणपुर थाना के अंतर्गत आता है। और एक अनोखा तस्वीर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक रूबी नाम का एक लड़की है जिसकी उम्र 35 वर्ष हो रही है, लेकिन देखने के बाद आप यकीन नहीं करोगे कि 35 वर्ष की अवस्था में अभी है। और ये दिव्यांग होने के साथ साथ घर का सारे काम को कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं आप देख कर भी आश्चर्य करेंगे। और इनसे आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? रूबी कुमारी। अच्छा, कितना उम्र हुआ आपका अभी? 35। आप सब काम कर लेते हैं घर का? जी। अच्छा, 35 साल का उम्र हुआ, सब काम कर, ये बचपन से या फिर हाल ही में हुआ? बचपन से ही दिव्यांग है। सरकार के माध्यम से कोई मिलता है? कुछ नहीं मिला, मिलता है नहीं। और अभी तक तो शादी नहीं हुआ होगा? नहीं, शादी नहीं हुआ है। और आप भाई बहन में कितने भाई बहन है? 5 बहन 1 भाई। अच्छा, सबका शादी हो गया है? हाँ, सब। आप सबसे बड़े हैं? हाँ। अच्छा, और बता दूं कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि ये कैसे घर का काम कर लेती है, लेकिन इनके पिताजी से मैं आपको मिलवाऊंगा क्योंकि ऐसा पहली बार मैं आप वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि इनका हाइट जो है करीबन 20 इंच बताया जा रहा है। 20 इंच काफ़ी ही कम होता है और ऐसा पूरे भारत में शायद ही कहीं आप देखने को आपको मिलता होगा, ठीक है। लेकिन इनके इनके पिताजी से आपको मिलवाता हूँ कि आखिर यह कब इनको, मतलब कितने दिन से यह जूझ रही है इस हालात में, और इस हालात में समाज के माध्यम से कितना प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि अक्सर जब कोई अपाहिज रहता है या जन्म से ही रहता है, कोई अगर भगवान उसे खुदा न खास्ता वैसा अगर रूप से पैदा करते हैं तो समाज, हमारे समाज में प्रताड़ित किया जाता है। आपका क्या नाम हुआ? बसंत सानी। अच्छा, ये कब से ऐसी है? इस माँ का पेट से जन्म लिया तभी से। अच्छा, विकलांग है पूरे। अच्छा अच्छा, घर का सब काम कर लेती है? हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर ले गई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार के माध्यम से कोई राशि वगैरह मिलता? कोई लाभ नहीं मिला है सर। कोई लाभ मिलता ही नहीं? कोई लाभ नहीं मिला है। और समाज से प्रताड़ित भी होते होंगे लोग, ताना भी मारते होंगे? हाँ, आराम से। और कहीं ना कहीं एक अपने आप में अजूबा है। और साथियों बता दें कि ऐसा बहुत ही कम ही जगह देखने को मिलता है ऐसे लोग। अभी हाल ही में आपको पता है कि एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जो प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो काफ़ी हाइट, काफ़ी मतलब भारत का एक ऐसे व्यक्ति उनका बताया जा रहा है कि काफ़ी हाइट से लंबे हैं। ठीक उसी प्रकार समस्तीपुर में एक ऐसे मैं आपको वीडियो आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ जो भारत में, पूरे भारत में एक पहली तस्वीर होगी जो मजहब 20 इंच के इनका हाइट है लेकिन घर का सारा काम कर लेती है। हालांकि ये खड़ा नहीं हो पाती अपनी पैरों से, लेकिन घर का पूरा जो पदभार होता है, घर का पूरा खाना बनाने का लेकर पूरी काम जो होती है वो पूरी कर लेती है। और बाकी बात बता दूं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपने दायित्व का जरूर निभाएं, कमेंट सेक्शन में अपना राय को जरूर लिखें। आप देख पा रहे थे जोश एक्सप्रेस और RNB मीडिया TV के माध्यम से। धन्यवाद।